नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। और अभी हम हैं बथौरिया थाना क्षेत्र में, और ये कौन सा जगह है? हम जगह का नाम पूछ करके बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नंदूराम है सर। ये कौन सा जगह है? ये बथौरिया वार्ड 8 नंबर है। क्या हुआ है यहाँ? क्या भीड़ लगा हुआ है? पूरा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ। क्या हुआ है? कैसे एक्सीडेंट हुआ है? इंस्पेक्टर की गाड़ी से। कौन सा इंस्पेक्टर? बगहा की रामनगर? अब पता नहीं, ये रामनगर का था कि बगहा का था, उन्हीं को गाड़ी से बथौरिया थाना का। थाना भी है, थाना भी साथ में है यहाँ का। देख रहे हैं कि काफी भीड़ देखने को मिल रही है। आप कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे। पूरी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर जो है पूरे गांव के लोग जो है इकट्ठा हो गए हैं और हल्ला उल्ला कर रहे हैं। अब आइए हम आप कुछ लोगों से और भी जानेंगे कि कैसे घटना हुई है और कैसे हुई है। क्या नाम है आपका? ईश्वर कुमार यादव। कैसे घटना हुई है? चलिए हम वहाँ पे दिखाते हैं जहाँ खड़े थे वहाँ पे। घटना कैसे हुई आप देखे? हाँ, हम वहाँ पे स्वयं खड़ा थे। कैसे घटना हुई? हम लोग तीन आदमी थे। एक बच्चा था, बच्चा एक जूता लेकर घर में गया। वो जूता लेकर आ रहा था फिर वो आपस करने के लिए, तब तक बड़ा बाबू गाड़ी आ गया था। उसके बाद में इंस्पेक्टर गाड़ी पीछे था, बड़ा बाबू गाड़ी निकल गया। जब इंस्पेक्टर जब गाड़ी आई तब वो क्या किया, चक्का से मार दिया। जब नहीं अगला जगह से यार अगला जगह हम कोई मत बोलो, हम स्वयं देखे थे। जब अगला जगह से उसको लग गया था तो हम लोग सर रुकिए रुकिए, वो इतना स्पीड किया, एक आदमी उसको बोनट लेकर खड़ा था, रुकिए रुकिए, तभी वो गाड़ी नहीं रुका और रेस कर दिया। अच्छा, जो गाड़ी से दुर्घटना हुई है वो गाड़ी कहाँ है? हाँ, वो भाग गई है। जब प्रशासन की गाड़ी से जब दुर्घटना होती है तो प्रशासन की गाड़ी जो है वो भाग जाती है, तो आम जनता की जैसे दुर्घटना होती है, आम लोगों की जो गाड़ी से दुर्घटना होती है वो लोग भाग जाते हैं तो उनको सजा मिलती है। इन लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? और गाड़ियों को प्रशासन खिंचार के क्यों भाग रहा है? क्या हुआ? प्रशासन बोलता है पब्लिक के धीरा गाड़िया को, खुद खिंचार के क्यों पब्लिक भाग रहा है? रोकना क्यों नहीं है? बोलिए क्या 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 बोल रहे हैं प्रशासन? हम लोग को पब्लिक को बोलता है धीरा गाड़िया को, खुद स्प्रेड करके पब्लिक को खिंचार के भाग रहा है। अच्छा, ये जो लड़का है कितना साल का था? वो 10 वर्ष का है। 4 साल का? 10 वर्ष का है। 10 वर्ष का? 10 वर्ष का है। क्या नाम है? अनुराग कुमार यादव। पिताजी का नाम उसका क्या? श्री अजय कुमार यादव। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है। देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। तीन बकरी कचारे हुआ है यहाँ से। हम जरूर इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे। तीन बकरी कचारा हुआ है, तीन बकरियां के दो पब्लिक मरने से बच गया है। हम खुद मोटरसाइकिल से खेदे हैं उसको रोकने के लिए। रुक जा, चलो थाना। कितने लोग थे उस गाड़ी में? नहीं नहीं, झूठ नहीं। जो यहाँ से जो गाड़ी भागा है ना, उस गाड़ी में पूरी स्टाफ था। हम लोग हाथ दिए, यहाँ से भाग गया। वो यहाँ से गया टेसरैया गांव में, वहाँ गया मुनीब यादव के घर के आगे हाथ दिया, वहाँ रुका नहीं। तीन बकरी वहाँ कचार दिया, दो बंदे ने हाथ दिया उसके ऊपर, बोलोरो चढ़ाया, बस दो बंदे कूद गए, फिर वहाँ से वो भाग गया। बताइए कितनी बड़ी शर्मनाक बात है कि यहाँ बथौरिया थाने के पास मैं मौजूद हूँ और यहाँ जो है रामनगर, यहाँ इंस्पेक्टर हैं, उनका नाम तो पता नहीं है। वो गाड़ी पे इंस्पेक्टर बैठा है पीछे, वही खींचा रहा है इंस्पेक्टर। हाँ, इंस्पेक्टर था गाड़ी, इंस्पेक्टर का गाड़ी था पीछे वाला। आदमी था वही तो उस पर, तीन आदमी था, एक ड्राइवर और दो इंस्पेक्टर है उसके बगल से। वर्दी में थे कि वर्दी में? वर्दी में थे। इंस्पेक्टर का गाड़ी से खींच रहा है, पीछे वाला गाड़ी मान नहीं करती है। क्या ये जनता के मान? ये पुलिस जो है ना, ये भ्रष्टाचार है। उन लोग के कुछ जनता की सेवा करने के लिए सब नहीं चाहते हैं। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। पटना न्यूज 24 लाइव के लिए बगहा से मंजर आलम।